एसपीरेंट एंड वेलकम टू दूपलाइजर टूडे वी विल डिस्कस न्यूज पेपर डेट एटी थर्ड ऑफरेशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट के लिए एंड प्रेसिडेंट जो यहाँ पर इलेक्ट होकर आए हैं ये ब्रिजभूषण शरण के एड हैं इनके राइट हैंड इनको कहा जाता है तो इशू ये है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है इसके ऊपर वुमेन रेस्लर्स ने सेक्शुअल हेरसमेंट के चार्जेस लगाए थे अ डे आफ्टर अ क्लोज एड ऑफ़ बीजेपी एम पी ब्रिजभूषण हैज बीन चार्ज विद सेक्शुअल हेरसमेंट ऑफ वुमेन रेस्लर्स बाई डेली पुलिस वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड जिसके चलते जो हमारे रेस्लर्स हैं ये अपने अवार्ड्स वापस कर रहे हैं साक्षी मलिक ने ये कहा है कि वो अब रेस्लिंग नहीं करेंगी तो आप इसका बताओ सल्यूशन क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स को सेपरेट कर देना चाहिए फ्रॉम द स्पोर्ट्स एक सोल्यूशन ये हो सकता है वमेन का रिप्रेजेंटेशन एग्जीक्यूटिव में होना जरूरी है ये इसका सोल्यूशन हो सकता है अगर बाकी आपको कोई सोल्यूशन पता है देन प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन डेली पे रिस्पैक्ट मैक्रॉन टू बी चीफ गेस्ट दिस रिपब्लिक डे तो रिपब्लिक डे के लिए पहले चीफ गेस्ट के लिए जो बिडन को बुलाया जा रहा था लेकिन जो बिडन उस समय ऑक्यूपाइड होंगे शायद जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर इनविटेशन दिया गया मैक्रॉन को एंड मेकर ने यहाँ पर कन्फर्म कर दिया है कि ये आएंगे तो यहाँ पर इंडिया फ्रांस रिलेशन के बारे में बताया गया है तो फ्रांस यू में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करता है फ्रांस ने हमको क्रिटिसाइज़ नहीं किया था 1998 नाइनटी एट टेस्ट के बाद डिफेंस में दोनों कंट्रीज़ के टाइज हैं स्पेस कोऑपरेशन में दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट कर रहे हैं इंडो पैसिफिक को लेकर दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं पच्चीस साल हो चुके हैं इंडिया फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इसके अलावा एन में हमारी मेंबरशिप को सपोर्ट करता है फ़्रांस वासिनार में हम मेंबर बने थे उसमें हमें सपोर्ट किया था फ़्रांस ने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में हम मेंबर बने तो उसमें भी फ्रांस ने हमें सपोर्ट किया था तो ये सब कुछ आप लिख सकते हो बाकी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम के हम मेंबर बने थे उसमें भी हमें फ्रांस ने सपोर्ट किया था हमने फ्रांस को कहाँ कहाँ सपोर्ट किया तो इंडियन ओशियन रेम एसोसिएशन का मेंबर बनने में हमने फ्रांस को सपोर्ट किया है इंडियन ओशियन कमीशन में ऑब्जर्वर कंट्री बनने के लिए हमने फ्रांस ने सपोर्ट किया था इंडिया को तो फ्रांस सपोर्टेड इंडियाज़ ज्वाइनिंग ऑफ इंडियन ओशियन कमीशन एज एन ऑब्जर्वर कंट्री टेररिज्म की डेफिनेशन को लेकर हमने कहा था कि कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म अडॉप्ट होना चाहिए इसमें हमें सपोर्ट करता है फ्रांस नेक्स्ट हम चलते हैं आगे बाकी फर्स्ट पेज पर दो क्लम रिमेंस अ अच्छा चैलेंज इनफ्लक्स फ्रॉम म्यांमार इन नॉर्थ मणिपुर न्यूट्रेंट तो इशू क्या है म्यांमार में मिलिट्री कू हो रखा है मिलिट्री हुंटा है एंड मिलिट्री हुंटा के साथ यहाँ पर लड़ाई चल रही है प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स की एंड जिसकी वजह से म्यांमार से जो इमिग्रेंट्स हैं ये इंडिया में आ रहे हैं इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम है तो वही यहाँ पर बताया गया है कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये क्या न्यूज़ है तो पंजाब में ड्रग मैनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें क्या इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन की तो क्या पाया तो ये पाया कि ये जो ड्रग पेडलिंग का काम है ये विमेन भी कर रही हैं तो ड्रग पेडलिंग का काम विमेन कर रही हैं और एक और इशू ये है कि सारे जो एफआईआर लिखे गए हैं उसमें सेम वर्ड्स को यूज़ किया गया है तो क्वेश्चन ये है क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है आगे हम चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है तो हम इसको स्किप कर रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट बस ये है कि जो इंडिया है, ये का है, मिल्क पल्सेस एंड कॉटन आधार पी एम एस मनी बिल तो आधार पी बिल को मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया गया अब इससे प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह है कि राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर्स होती हैं मनी बिल के केस में तो इसकी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिली गई है सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश हुई पैंतीस लोग यहाँ पर मर चुके हैं बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ है तो ये हम नहीं देखेंगे हेरोइन आउट नशेली गोलियां इन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एनडीपीएस एफ आई आर इन पंजाब लिंक टू फार्मास्यूटिकल ड्रग्स तो पंजाब में ड्रग मैनेज से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अब ड्रग मैनेज को रिजॉल्व करने के लिए सरकार क्या कर रही है जो बिग सप्लायर्स हैं उनको चोक आउट करने की कोशिश कर रही है इसके अलावा जो हेरोइन की सप्लाई है वो स्टेट में नहीं आनी चाहिए प्रिवेंशन कर रही है इन्फोर्समेंट कर रही है एन डी पी एस के प्रोविजन का डी एडिक्शन के ऊपर फोकस कर रही है तो ये सब कुछ किया जा रहा है तो उसकी वजह से जो हेरोइन की सप्लाई है ये तो रिस्ट्रिक्ट हो गई है लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी नशीली गोलियाँ क्या है तो एक्चुअली जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है उसका ही ओवर करके जो यहाँ पर किया जा रहा है उसको ही बोला जा रहा है कि यहाँ पर नशीली गोलियाँ ले रहे हैं लोग फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक कफ़ सिरप है जो कि कॉमन कोल्ड के लिए यूज़ की जाती है इसको मिस किया जा रहा है अब हम चलते हैं आगे राठौल माइनर्स ये क्यों न्यूज़ में थे तो हमने डिस्कस किया था कि सल कैरा चनल जो कोलेप्स हो गई थी एंड बहुत सारे लोग उसमें फंस गए थे तो बाद में जब यहाँ पर मैनुअल डिंग करनी थी तो उसके लिए राठौल माइनर्स को बुलाया गया था अभी जो राठौल माइनर्स इनको सरकार ने पचास पचास हज़ार रुपये के चेक दिए हैं तो इनका मानना ये है कि हमारे लिए ये अमाउंट इन एडिकुट है हमने यहाँ पर अपनी जान पर खेल कर बजाए और आप हमें सिर्फ पचास हज़ार रुपये दे रहे हो वैसे न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन एक बार हमने देख लिया नेक्स्ट आगे चलते हैं ग्रैंड जेस्चर स्मॉल डिटेल्स अब इशू क्या है ग्लोबल साउथ की इंडिया वॉइस बनना चाहता है तो हम एक तरीके से डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं लेकिन क्या ये कंट्रीज़ हमें सपोर्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यूनेस्को में वोटिंग हुई थी एक्जीक्यूटिव को लेकर के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में यहाँ पर 58 मेंबर्स होंगे तो उसको लेकर वोटिंग हुई थी लेकिन उस वोटिंग में थर्टी एट वोट्स मिले हैं पाकिस्तान को और हमें सिर्फ मिले हैं एटीन वोट्स तो अगर हम इन कंट्रीज को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी यहाँ पर इलेक्शन हो तो उसमें ये कंट्रीज हमें सपोर्ट करें तो विद ऑल दिस एफर्ट इट कुड भी एक्सपेक्टेड दैट इट वुड सिक्योर द सपोर्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ कंट्रीज इन इलेक्शन बिग एंड स्मॉल टू यू एन बॉडीज इट वॉज देर फॉर सरप्राइजिंग दैट इन एन इलेक्शन जो कि चौबीस नवंबर को हुए फॉर वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स पोजिशन फॉर द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने डिफीट कर दिया बाई थर्टी To 18. Is in a mess. और हमारी लेकिन उसके बाद भी हम इसका एक्सट्र नहीं करा पाए फिर इटालियन मरीन जो मरीनर्स थे, उन्होंने इंडियन मछुआरों के ऊपर गोली चला दी थी तो ये सारे इश्यूज पर कहीं ना कहीं हमारी फॉरन पॉलिसी फेल हुई है इन अंगल होल्ड तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया था वही है कि पावरफुल पॉलिटिशियंस कंट्रोल कर रहे हैं फेडरेशन तो फेडरेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत है तो कोई वहाँ पर एथलीट होना चाहिए कोई वहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए ना कि वहाँ पर पॉलिटिशियंस होने चाहिए यही यहाँ पर ऑथर ने सजेस्ट किया है ओपेसिटी डजेंट पे तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एक यहाँ पर ऐसे लिखा गया ऐसे किस बारे में लिखा गया कि इंडिया की रेटिंग्स जो सवरन क्रेडिट रेटिंग्स हैं कि हमारी गवर्नमेंट की रेटिंग क्या होनी चाहिए कि अगर हमारी गवर्नमेंट बॉ करे पैसा तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिलना चाहिए कम इंटरेस्ट रेट पर मिलना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर आपकी रेटिंग खराब है आपकी अगर क्रेडिट वो दी नजदीकी जा रही है और वो खराब है तो अगर आप लोन लेने जाओगे तो आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा तो वही पोजिशन एक्चुअली इंडिया की हो रखी है हम भले ही फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी हो गए लेकिन हमारी जो रेटिंग है ट्रिपल बी माइनस है ये रेटिंग कौन निकालता है तो बहुत सारे हैं फॉर एग्जाम्पल मूडीज निकालता है फिच निकालता है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर निकालता है इशू ये है कि हमारी रेटिंग कम है अब ये रेटिंग कौन से पैरामीटर्स की बेसिस पे की जा रही है तो जो इनके पैरामीटर्स हैं बहुत ही क्वालिटेटिव हैं एंड इनका सब्जेक्टिव असेसमेंट है फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं कि डेमोक्रेसी कैसे आपकी आपके कंट्री में रूल ऑफ लॉ कैसा है गवर्नेंस कैसा है तो अगर हम इन पैरामीटर्स की बात करें गवर्नेंस रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी इसकी वजह से आप ये नहीं डिटामाइन कर सकते हो कि कोई कंट्री के कितने माइक्रो इकोनॉमिक क्रीडेंशियल स्ट्रॉन्ग है ठीक है तो प्रॉब्लम ये है कि इन